हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केशव दिवाकर। टेक्निकल ऑटोमोबाइल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, यह क्यों जरूरी होता है और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। सबसे पहले अब यह बताते हैं जो एग्जॉस्ट सिस्टम क्यों जरूरी होता है। जैसा आप लोग जानते हैं, जब कोई भी चीज बर्न होता है वहां पे स्मोक या धुआं प्रोड्यूस होता है। सेम उसी तरह इंजन के अंदर में भी एयर और फ्यूल बर्न होता है, वहां भी स्मोक प्रोड्यूस होगा। अब उस धुएं को सुरक्षित और सेफली मुझे वातावरण या एटमोस्फेयर में छोड़ना रहता है। इस सब सिस्टम के लिए हम एग्जॉस्ट सिस्टम का यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर तो आप देख लिए। सेकंड में क्या होता है, जब एयर और फ्यूल बर्न होता है वहां पे बहुत ज्यादा साउंड भी प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को भी मुझे रिड्यूस करना होता है। यह काम भी एग्जॉस्ट सिस्टम करती है। थर्ड नंबर में क्या होता है, जब आप जानते हैं डीजल या पेट्रोल फ्यूल बर्न होती है तो ये बहुत ही टॉक्सिक और पोल्यूटेंट गैस छोड़ती है। उस सब गैस को भी मुझे लेस टॉक्सिक और लेस पोल्यूटेंट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज करना होता है। ये सारे काम जो है सो एग्जॉस्ट सिस्टम करती है, इसलिए एग्जॉस्ट सिस्टम जरूरी होता है। आगे अब हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं और क्या काम करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। इसका काम क्या होता है, जब हमारा मल्टी सिलेंडर इंजन होता है वहां पे हर एक सिलेंडर में से एक पाइप को कनेक्ट करके सबको एक साथ कनेक्ट किया जाता है। और उसके बाद O2 सेंसर लगा हुआ है। O2 सेंसर क्या मेजर करती है, यहाँ पे कितना एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन गैस आ रही है, यह सारे सेंसर मेजर करके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ECM को कम्युनिकेट करती है। फिर उसके आगे आप देख रहे हैं कैटलिक कन्वर्टर लगा हुआ है। यह क्या करता है, जो भी टॉक्सिक गैस होते हैं HCO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इस सब गैस को केमिकल रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट करके लेस टॉक्सिक, लेस पोल्यूशन करके फिर आगे भेजती है। उससे आगे जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो चीज अलग अलग लगे रहते हैं। अगर मेरा गाड़ी डीजल इंजन है वहां पे पार्टिकुलेट फिल्टर लगाया जाता है, क्योंकि डीजल इंजन में ज्यादा ही पार्टिकुलेट भी प्रोड्यूस होता है, छोटे छोटे पार्टिकल कंबसन के टाइम में, उस सब को ये पार्टिकुलेट फिल्टर एब्जॉर्ब कर लेती है। आगे अगर ये डीजल इंजन नहीं होती है, अगर पेट्रोल इंजन है तो रेजोनेटर लगाया जाता है, यह भी एक तरह का नॉइज रिड्यूस करने का काम करता है, बट ये मफलर से डिफरेंट होता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट में सबसे आगे आप देख रहे हैं मफलर। इसका मेन काम होता है साउंड को रिड्यूस करना। मफलर तक जो भी एग्जॉस्ट गैस आती है उसका साउंड रिड्यूस हो जाता है, फिर इस टेल पाइप के थ्रू इसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। अब इस सब चीज को मैं एक एक करके आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, इंजन में कहां पे क्या असेंबल है, कैसे फिटेड होता है। आप यहां पे देख रहे हैं, ये पेट्रोल इंजन कट सेक्शन मॉडल है। पहले वाला वीडियो में मैंने आपको इंटेक एयर सिस्टम के बारे में दिखाया था, ये आप इंटेक एयर सिस्टम है। इसके ठीक अपोजिट ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है। इनलेट मैनिफोल्ड के ठीक अपोजिट साइड में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है। ये आप देख रहे हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, जो ब्लैक कलर का है। यह चार सिलेंडर का इंजन है, इसलिए आप इसमें देख रहे हैं ये 1, 2, 3, 4, ये चार जो है सो पाइप निकल के एक जगह पे कनेक्टेड होता है। मैनिफोल्ड का ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जो मल्टी सिलेंडर इंजन रहते हैं उसके सारे एग्जॉस्ट सिस्टम को कनेक्ट करके एक साथ जोड़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने पे आप ये देख रहे हैं, ये O2 सेंसर है, ये जो है सो ऑक्सीजन को मेजर करता है, एग्जॉस्ट गैस में कितना ऑक्सीजन है यह इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को ट्रांसफर करता है, फिर वह आगे का सिग्नल जो है इसको ट्रांसफर करके उसके हिसाब से एक्चुएटर वर्क करता है। या फिर O2 सेंसर के बाद आप आगे देख रहे हैं, यह व्हाइट कलर का ये लगा हुआ, ये कैटलिक कन्वर्टर है। जब एग्जॉस्ट गैस यहां तक पहुंचते हैं, यह कैटलिक कन्वर्टर रिएक्शन करके उस हार्मफुल गैस को रिड्यूस करता है, HC हाइड्रोकार्बन गैस को, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, यह सबको ये लेस टॉक्सिक बना के फिर उसके बाद यहाँ पे आगे जब बढ़ती है, फिर आप ये देख रहे हैं जब कैटलिक कन्वर्टर से एग्जॉस्ट गैस आगे आता है तो ये पार्टिकुलेट फिल्टर है, इसमें पार्टिकुलेट का फिल्टर हो जाता है। पार्टिकुलेट जब फिल्टर हो जाता है उसके बाद फिर आगे टेल पाइप के थ्रू या मफलर तक पहुंचती है। फिर आगे आप यह देख रहे हैं मफलर है, जहां पे इसका साउंड रिड्यूस हो जाता है। मफलर में जब साउंड रिड्यूस हो जाता है उसके बाद फिर आप देख रहे हैं
ये टेल पाइप के थ्रू ये एटमॉस्फेयर में उसे रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह से यह एग्जॉस्ट सिस्टम वर्क करता है। इस तरह से आज आपने ब्रीफली एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में जाना, कैसे फिटेड होता है, कैसे काम करता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आप लोग को एक एक करके हर एक का डिटेल में फंक्शन बताऊंगा, कैटलिक कन्वर्टर कैसे वर्क करता है, या और भी पोल्यूशन रिड्यूस करने वाले जो भी इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, EGR होते हैं, और भी कुछ कुछ होते हैं, टर्बो चार्जर कैसे काम करता है, इस सब के बारे में मैं आप लोग को डिटेल में नेक्स्ट के वीडियो में बताऊंगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको सारे न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।